दतिया स्थानीय मतदान के दौरान फर्जी मतदान का विरोध किया तो दबंगों ने पुलिस के साथ महिला प्रत्याशी और उसके सहयोगियों पर हमला किया। जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार ग्राम पंचायत हतलाई एम राजपुर पंचायत ग्राम बरोदी में फर्जी मतदान का दूसरे पक्ष के प्रत्याशी ने विरोध किया तो दहशत एवं भय फैलाने के चलते हवा में अनगिनत फायर किए गए, उनके ऊपर कर दिया गया हमला। इतना ही नहीं, कथित तौर पर बताया जा रहा है कि दबंगों के साथ मिलकर पुलिस ने भी महिला एवं अन्य लोगों पर डंडे से प्रहार किया। ऐसा आरोप महिला प्रत्याशी उनके साथ ही आए लोगों ने लगाया। महिला ने बताया कि रामजी यादव नामक व्यक्ति ने थाना चिकना प्रभारी के साथ मिलकर उन्हें दबाने का प्रयास किया और मतदान भी नहीं करने दिया। इतना ही नहीं, मत पेटियों को उठाकर कुएं में फेंक दिया एवं हैंडपंप के नीचे पानी डालकर मतपत्र को नष्ट करने की कोशिश की गई। ग्राम बरौदी का राजपुर पंचायत पड़ती है, मतदान चल रहा था बढ़िया शांतिपूर्वक। रामजी पार्टी के लोग वोटर फर्जी मतदान करा रहे थे, दूसरे सरपंचों ने उस पर विरोध किया कि भाई फर्जी मत कराओ, सही मतदान चलने दो। इस पर ओपोजिशन चल उठा, थोड़े बाद विवाद हुआ, पुलिस प्रशासन आ गई, उनको खबर कर दी कि साहब यहाँ जी होते हो ये झगड़ा हो सकता है। तो उनके सामने समक्ष होते हुए दूसरी पार्टी की चार पांच गाड़ी जीपें भर के आए और सीधी उनने आन के गोली चलाना चलाना शुरू कर दिया, पेटी लगाए। बाद में दरोगा जी ने जो हमारे लोग खड़े रहे थे वो तो भाग गए थे, गोली चला चली गई, पेटी उठा के पेटी को चल के गिरफ्तार कर लें। इन लोगों ने हमारे सरपंच प्रत्याशी महिलाएं उनको बेचारी वो बहुत बुरी तरह से पीटी थी। यही तो अर्जेंट जो वोटर थे उनको भी पीटा, किसी ने वोट नहीं डाल पाया दीदी, बिल्कुल वोट नहीं डालने दी। गोली चलाते रहे जैसे फलाते सब, कोई सुनवाई नहीं। भोपाल तक से वोट डाला है, हम 3 घंटा के बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं दरोगा जी। 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 50 लोग थे, वो 2 नंबर की बंदूक थी, हमारे लोगों को पीटा सरेआम। पुलिस प्रशासन के सामने इस प्रकार के कट्टे चलते रहे, कोई इंसाफ चाहिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं आज आप लोग वोट से वंचित रहे आज आप? हाँ बिल्कुल नहीं डाल पाए, कितने लोग हैं जिसने? नहीं पूरा ग्राम 500 का वोटिंग है, 10-20 डाल डाल पाए बस, 500 का वोटिंग है, हम पौने 100 वोट के करके हो पाया था, जितने वोट भी थे। उनको वीडियो भी बनी है, वीडियो में भी आप देख सकते हो रामजी यादव हम पे कुचल रहा है, पानी में आके बनाओ जी बोल रहा है, पानी में आके बनाओ वीडियो, डर है क्या मुझे? किसी का डर नहीं है मुझे, मैं दादा को भी नहीं डरता हूँ, यही बोला। वो भाजपा से बीजेपी। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है, मैं राजपुर पंचायत से हूँ, ग्राम बरौदी से, और सरपंच पद हेतु प्रत्याशी हूँ। और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ मैम, वहाँ पे वोटिंग हो रही थी फर्जीवाड़े की, फर्जी वोट डाले जा रहे थे, उसे रोका तो उन लोगों ने मतलब गाली गलौज की, फिर उसके बाद डंडे बरसाए, गोलियां चलाईं। रामजी यादव और रूबी शर्मा है, उसमें जो आंगनवाड़ी की थी मैडम रूबी शर्मा थी, संतोष सेक्रेटरी है, और जो एक पुलिस का आरक्षक था गार्ड वो भी उनके साथ हैं, पीटा सेन अधिकारी हैं, और रामजी यादव और बहुत सारे लोग थे। उन लोग क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, उन लोगों को मतलब बुलाएगा पुलिस की। भास्कर शर्मा पुलिस से है टीम, उन लोगों ने तो और डंडे बरसाए हम लोगों पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, हम लोगों को और डंडे बरसाए, उन्हीं के द्वारा गोलियां चलाई गई, और हमारे जो मतलब भैया थे देवर हमारे, उनको साथ उठा के ले गए, उनके साथ मारपीट की गई, और मतपेट पेटी थी जो उसको उठाया उन लोगों ने, रामजी यादव के आदमी ने, रामजी यादव ने उसने तोड़ा, उसमें पानी भरा और उसको फेंक दिया। क्या कारण है, क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं मैम,
क्या आप लोग वोटिंग नहीं कर पाए? नहीं, आधी मतदान कैंसिल हो गई, कुछ नहीं हो पाया उन लोगों ने सब। पानी नहीं डालता नहीं, आज गोली कर दी लोगों ने, पेटी उठा के पानी डाल दिया, पेटी उठा के उन लोगों ने पानी में डाल दिया, गोली डाल दी, पुलिस ने डंडा चलाया। पुलिस कितनी तादाद में थी? कितनी थी पुलिस? पुलिस आती थी 5-6 गार्ड थी, मैं दरोगा 5-6 गार्ड को सब ने डंडे मार साए। पुलिस टीम ने सारे लोगों ने पिटाई की हम लोगों के साथ, सारी की सेवा करने के लिए होती है, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों पे डंडे मारे, दरोगा ने डंडे मारे, हमारे जो आदिवासी वोट डालने के लिए आए थे मारे से मारे, लेटसों को मारे, हमारे जो आदिवासी भाई हैं जो वोट डालने के लिए आए थे उन लोगों को भी मारा धमकाया, हम लोगों पे महिलाओं पे हाथ उठाया उन्होंने, अभी हम लोग यहाँ पे शिकायत करने के लिए आए तो आदिवासियों को मारे, हम ये चाहते हैं हम सबको इंसाफ मिले बस, और उनके लिए जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, हमारी FIR मंजूर की जाए। आज आप यहाँ रोड पे बैठे हैं तो अब क्या चाहते हैं शासन? और जो शासन है उसके लिए सस्पेंड किया जाए, जो भी पुलिस वो है सेक्रेटरी भी को शासन सस्पेंड किया जाए, और आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी वाली को शासन सस्पेंड किया जाए। दरोगा जी हैं जो भास्कर शर्मा जी, उनका पूरा स्टाफ मैंने तो भयंकर मारा, हम लोगों को खुद मारा, हम पे हमारी ये कोई प्रत्याशी हमारे साथ में उनके साथ मारपीट की। अरे बन्ना बन्ना तो ऐसे लट मार।